है क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुबोध और उसकी बीवी श्री दोनों जेरे तामीर इमारत में मजदूरी करते थे। दोनों को दिन के 200 रुपए हासिल होते थे। कुल मिलाकर एक दिन के 400 रुपए होते थे। इन 400 रुपयों में से रोज वो लोग 100 रुपए घर का किराया और 100 रुपए राशन का अलग करते थे। बचे हुए 200 रुपए में से प्रकाश की स्कूल की फीस और बाकी खर्चे निकालते थे। मैं सोच रही हूँ हमें कुछ और काम करना चाहिए। सुबह से रात तक तो हम मजदूरी करते हैं और थक भी जाते हैं। उसके बाद तुम्हें घर का काम भी करना पड़ता है। हम कैसे कुछ और काम कर सकते हैं? ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं, जिससे हमारी कुछ तो आमद में इजाफा हो। अम्मा, हम कपड़े धो सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं, मैं ही सारे कपड़े धो दूंगा। लेकिन तू तन्हा कैसे करेगा? वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन? ये क्या है? ये एक मशीन होती है जिसके अंदर कपड़े डालकर सर्फ और पानी डालना होता है। मशीन खुद ब खुद कपड़े धोती है और आधा सुखा भी देती है। लेकिन वो तो बहुत महंगी होगी ना? महंगी तो होगी अब्बा, लेकिन मैंने कल ही एक वॉशिंग मशीन कबाड़ी की दुकान पर देखी है। मुमकिन है कबाड़ी सस्ते में फरोख्त कर दे। हाँ, वैसे भी वो कबाड़ी मेरा दोस्त है, हमें सस्ते दाम में दे देगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना? वो तो है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं वो अब तक कितने हैं? तकरीबन 3,000। ठीक है, देखते हैं। अगर इससे ज्यादा दाम होगा तो पैसे 1-2 माह में कबाड़ी को दे देंगे। लेकिन हमें कपड़े कहाँ मिलेंगे धोने के लिए? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ इंजीनियर और बड़े बड़े अफसरान हैं। वो सब अपने कपड़े बाहर ही धोने को देते हैं। हम उनसे राब्ता कर लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा। इससे हमारी आमद में इजाफा हो जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। हाँ अम्मा। सुबोध और उसके खानदान ने पहली मर्तबा कुछ नया करने का सोचा था। वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी आमदनी में इजाफा हो और उनकी गरीबी खत्म हो जाए। उसी शाम प्रकाश अपने पापा को लेकर कबाड़ी की दुकान पर गया। अरे नीरज, वो वॉशिंग मशीन है ना? हाँ है, लेकिन उसमें थोड़ी खराबी है। क्या खराबी? वो वॉशिंग मशीन कपड़े आसानी से धो तो देती है, लेकिन अच्छे से सुखा नहीं सकती। कई मैकेनिक को दिखाया लेकिन कोई उसे दुरुस्त नहीं कर पाया। दाम क्या है वॉशिंग मशीन का? वैसे तो 5,000 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सुखा नहीं सकती इसलिए 3,000। 3,000 सुनकर प्रकाश बहुत खुश हुआ। नीरज, मैं तुझे 2,500 दे सकता हूँ। 2,500 तो बहुत कम है। 2,600 आखिरी। ठीक है, वैसे भी कितने रोज से यहाँ पड़ी है, कोई खरीदार मिला ही नहीं, तो ही ले जा। एक काम कर, तू वॉशिंग मशीन घर ले आ, मैं वहीं पैसे देता हूँ। ठीक है। सुबोध और प्रकाश घर पहुँचे और वॉशिंग मशीन भी घर आ गई। सुबोध ने मुलाजिमों को 2,600 रुपए अदा किए और वो लोग चले गए। अरे वाह, बस 2,600 रुपए में मिल गई? वो इसलिए कि ये वॉशिंग मशीन कपड़े ठीक से सुखा नहीं सकती। कबाड़ी चाचा ने कहा ये कपड़े धो तो लेती है लेकिन पूरी तरह से सुखा नहीं सकती। ठीक है, हम रस्सी पे कपड़े सुखा लेंगे, एक मर्तबा आजमा कर देखते हैं। श्री ने एक बाल्टी में गंदे कपड़े और पानी लेकर आई। उसने वो बाल्टी वॉशिंग मशीन में उलट दी और कपड़े धोने का पाउडर भी डाला। अब बटन दबाते ही मशीन शुरू हो गई। मशीन 15-20 मिनट तक कपड़ों को अच्छे से धोती गई, फिर आवाज करने लगी। अरे ये क्या, इसे क्या हो गया? तीनों मशीन के पास गए। कहीं ये खराब तो नहीं हो गई? प्रकाश ने अच्छे से देखा तो पानी की लाइट जल रही थी। अम्मा, हमें सिर्फ साफ पानी डालना होगा। ऐसा? श्री ने साफ पानी डाला और ढक्कन बंद करते ही मशीन फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद मशीन की आवाज बदल गई और पाइप से पानी बहने लगा। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मशीन कपड़े सुखा रही है। मशीन कपड़े सुखाते सुखाते रुक गई। हो गया क्या?
उन लोगों ने मशीन के अंदर के कपड़े देखे तो कपड़े साफ थे पर पूरे तरीके से सूखे नहीं थे। ये तो कमाल है, इतना भी सुखा दिया तो बहुत है, बाकी हवा से सूख जाएंगे। श्री ने कपड़े हवा में सूखने के लिए डाल दिए। अब तीनों तैयार थे अपने नए कारोबार के लिए। अगले रोज सुबोध और श्री ने इंजीनियर्स को बताया, जनाब हमने धोबी का काम भी शुरू किया है, अगर आपके कपड़े धोने को हो तो हमें दे दीजिए। अरे वाह, कब से धोबी तलाश रहा था लेकिन इस शहर में मुझे धोबी ही नहीं मिला। शाम को मैं सारे कपड़े लाकर देता हूँ धोने के लिए। ठीक है। सुबोध और श्री अपना अपना काम करने लगे। शाम को जब उनकी शिफ्ट खत्म हुई तो उस इंजीनियर के साथ कई और इंजीनियर्स कपड़े लेकर आए थे। सुबोध और श्री ने वो कपड़े अलग अलग गठरियों में बांध दिए। कब तक मिलेंगे ये कपड़े? जनाब कल शाम तक। ठीक है। इतने सारे कपड़े? हाँ, कई रोज से इंजीनियर साहब के कपड़े धुले नहीं हैं, ये उनके ही हैं और उनके दोस्तों के भी। शुरू हो जाओ प्रकाश। हाँ क्यों नहीं। प्रकाश ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले पाउडर और पानी के साथ और मशीन शुरू हो गई। एक मर्तबा प्रकाश ने नया पानी डाला और फिर मशीन कपड़े सुखाने लगी और बंद हो गई। फिर सुबोध और श्री ने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। अगली सुबह जब वो उठे तो कपड़े सूखे थे। उन्हें तह लगाकर वो अपने साथ ले गए। इंजीनियर साहब को उन्होंने कपड़े लौटा दिए और उन्हें हर कपड़े के 10 रुपए हासिल हुए। इस तरह एक ही मर्तबा में सुबोध और श्री ने 300 रुपए कमा लिए। फिर क्या था, उनका ये कारोबार चल पड़ा। वो लोग इंजीनियर्स और बाकी अफसरान के कपड़े धोकर पैसे कमाने लगे। आहिस्ते आहिस्ते उनका काम इतना बढ़ गया कि उन दोनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। एक बड़ा घर भी किराए पर ले लिया जहां वो ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब से तीनों मिलकर कपड़े धोने का ही काम करते थे। उनका ये कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। कुछ ही माह में सुबोध ने शहर में धोबी की दुकान खोल ली। कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब भी कर पाएंगे। हाँ, ये सब मेरे बेटे की वॉशिंग मशीन की वजह से हुआ है। हाँ। गरीब के घर आई वॉशिंग मशीन ने उनकी किस्मत बदल दी। किसने सोचा था कि वॉशिंग मशीन जैसी एक आम सी चीज किसी की किस्मत बदल सकती थी।